कलेक्ट्रेट स्थित उपसंचालक चकबंदी के कोर्ट में मंगलवार को नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस दौरान देर शाम तक 17 जिला पंचायत सदस्यों को सोशल डिस्टेंस के साथ नोडल अधिकारी ने प्रमाण पत्र का वितरण किया। इस अवसर पर नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों ने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाली सभी सुविधाओं को जनता को मुहैया कराई जाएगी तथा जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले गाँव में सड़क नाली सहित सभी सुविधाओं का उपयोग कर गांव का विकास किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों तथा उप संचालक चकबंदी सुनील कुमार ने कहा, ये गढ़ा गोड़ालगंज नहीं है, ये सर कार्ड सुविधा भी है और जय प्रकाश भारती, वार्ड संख्या 43 से मैं निर्वाचित हुआ हूँ, 450 मत से मैं विजयी हुआ हूँ। आगे की रणनीति क्या है, क्या क्या आगे की रणनीति में जनता की सेवा, जनहित के कार्यों को मैं हमेशा तत्परता से रखूंगा, हमेशा जनता की सेवा में रहूंगा। सरकार की योजनाओं के लिए क्या, सरकार की जो योजनाएं बहुत सी आती हैं लेकिन बीच में रुक जाती हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं, उसको जनता के बीच में पहुंचाऊंगा। अगर किसी तरह की समस्या आती है तो मैं अपने सदन में इस बात को उठाऊंगा। वार्ड नंबर 37 से मैं उर्मिला यादव, पत्नी श्री नर्मुनी यादव और 700 नियर अबाउट 700 वोट से मैं लड़की हूँ। आगे आपको क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी सबसे पहले तो इस चुनाव में जो लोगों का मुझको समर्थन मिला है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, और उन लोग के सहयोग से जब मैं जीती हूँ तो मैं चाहूँगी उन लोग का विकास हो, उन लोग की जो भी उन लोग को जो असुविधाएँ हैं उसको मैं पूरा करूँ, यही मेरे मनोकामना है। और एक लेडीज़ होकर के मैं चाहती हूँ पहले सबसे पहले लेडीज़ वर्ग का विकास हो, गांव के विकास के लिए देखेंगे जहाँ पर कमी है, नाली नहीं है, खड़ंजा नहीं है, जो भी लोगों को असुविधाएँ हैं उनकी उसको मैं पूरा करूँगी। धन्यवाद। पूजा शाही, वाइफ ऑफ अमन प्रताप चंद, वार्ड नंबर 41 से जिला पंचायत सदस्य की विजेता हूँ, और मैं वार्ड संख्या 41 की समस्त जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मुझे इतने भारी बहुमत से विजयी बनाए हैं, और मैं वादा करती हूँ कि उनकी हर समस्याओं का समाधान करूँगी, निवारण करूँगी और सच्चे हृदय से उनकी सेवा करूँगी। गांव के विकास के लिए जहाँ सड़कें नहीं हैं वहाँ पे सड़क बनवाएंगे, और नाली और हर नल का हर चीज़ का विकास करूँगी। सरकार की योजनाएं के लिए क्या योजनाएँ आती हैं? सर, सरकार की योजनाओं के लिए जो सुविधा है उनको जनता को प्रोवाइड कराऊंगी, मैं हर लाभ दिलवाऊंगी उनको, जनता को। किरण चौहान, बेलघाट ब्लॉक से 36 नंबर वार्ड। कितने वोटों से जीते? 1350 वोट है। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? प्राथमिकता क्षेत्र की जनता के, वार्ड नंबर 36 की जनता के बीच में सुख दुख में शामिल होना, बाकी जो जिला पंचायत स्तर से काम होता है वह पूरा किया जाएगा, और 36 वार्ड नंबर 36 की जनता के सुख दुख में हमेशा सहयोग करना। गांव के विकास में बताए तो वही जो जिला पंचायत स्तर का जो भी काम मिलता है वह पूरे वार्ड में किया जाएगा, और उसी में शामिल हमारा ग्राम पंचायत भी होगा। सरकार की योजनाओं जी सर, क्या सरकार की योजनाओं को कितने लोग लाभ दिलाएंगे?
कितने लोगों को मैं भरसक प्रयास करूंगी कि हर ग्राम पंचायत में उसका कोई नाम गिना चुना तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हर ग्राम पंचायत में काम हो। चौहान जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 9 से जीता हुआ 3000 वोट से। मैं वार्ड नंबर 9 की जनता को धन्यवाद देता हूं और कार्य के क्षेत्र में जिला पंचायत स्तर का जो भी कार्य रहेंगे जनता के बीच में सरकार से लेकर के पहुंचाया जाएगा। और सबसे पहले तो मुझे ये है कि गांव के विकास के लिए जो भी कार्य जिला पंचायत स्तर के रहेंगे उसमें कोई चूक नहीं होगा, कोई भी कमी नहीं आएगी। जहां तक असंभव रहेगा जिला पंचायत स्तर जो भी काम है कराया जाएगा। मेरा नाम धीरज शाहनी है। कितने नंबर वार्ड थे आपके? जी वार्ड नंबर 27। कितने मतों जीते हैं? लगभग 6000 वोट से चुनाव जीता हूं मैं। आगे क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या क्या करेंगे आप? आगे जो भी सरकारी जो योजना मिलेगा उसमें मैं पूर्ण रूप से हर एक गांव में जो है उसका योगदान दूंगा। और जनता के लिए क्या क्या करेंगे? जनता के लिए सब कुछ करेंगे, क्योंकि गरीब जनता जो है सबसे ज़्यादा हमें अधिक मतों से जो है जीत दिलाया है, और मैं भी एक गरीब प्रत्याशी ही था और जनता के लिए पूरा जीवन जो है न्यौछावर रहेगा। सरोज नंबर वार्ड से जीती है 15 से। कितने वोट थे? 1126। आगे क्या प्राथमिकता रहेगी, जनता के लिए क्या क्या करेंगे? जनता का सेवा करूंगी। गांव के विकास के लिए क्या करेंगे? आगे करूंगी, विकास करूंगी। 10 के कुल अभी तक 17 लोगों को प्रमाण पत्र दिया जा चुका है और अभी कुछ लोगों को कार्य प्रगति में है। सर उसमें भी बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक बढ़ता रहेगा।